नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कीवी। जी हां दोस्तों, कीवी की शाही आइसक्रीम कैसे बनाएं। तो ये रहा कीवी, अब हम इसे काटेंगे, तो चलिए काटते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बैल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी से भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम के अंत में ईमेल फ्लैश होगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो है कीवी, या दोस्तों ये तो वैसे तो ये फल ऐसी खाने में बड़ा मज़ेदार है, लेकिन मैं आपको इससे भी मज़ेदार इसकी आइसक्रीम बना के दिखाऊंगा। और आप इसे ज़रूर खाइए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं। काटने का भी तरीका होता है दोस्तों, इसको कई तरीके से काटा जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसे काटें आसानी से और किस तरह से खाएं। इसको भी खाने का एक स्टाइल होता है। चूंकि हम आइसक्रीम बना रहे हैं इसलिए हम जो है इसे हम काटेंगे। तो लीजिए, काटना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम जो है इसके सामने का हिस्सा निकाल देते हैं और पीछे का हिस्सा निकाल देते हैं। इसके बाद जो है हम इसे छीलना चालू करेंगे, ठीक वैसे ही छीले जैसे आलू छीलते हैं दोस्तों। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल बहुत ही नरम होता है ये, एकदम बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है, देखिए। तो मैं बिल्कुल जैसे आलू का छिलका होता है ठीक वैसे निकाल रहा हूं। तो ये देखिए, हमारा छिलका निकल चुका है। ये है, अब हम इसे कटिंग करेंगे दोस्तों। ये देखिए अंदर से कैसा होता है, तो इसको हम कट कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कट करने के बाद हम इसे स्लाइस कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। दोस्तों ये हो गया है, तो देखिए किस तरह से कटने के बाद हो जाता, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। इसके लिए हम लेंगे दोस्तों, इसके बाद लेंगे हम एक इस तरह से कोई बर्तन ले लें जिसमें हम यूज करेंगे इसे। तो इसको हम डाल देते हैं इसमें। सबसे पहले जो हमारा कटा हुआ कीवी है इसमें डाल देते हैं हम। तो ये एक कीवी दो लोगों के लिए पर्याप्त है इस तरह से। तो चूंकि हम शाही बना रहे हैं दोस्तों, तो इसमें अगर आपके पास मलाई उपलब्ध हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे पास देखिए एकदम फुल फैट मिल्क है, एक कप एक कटोरी, जो करीब दो लोगों के लिए पर्याप्त होगी। तो हम इसमें इसको डाल देंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें एसेंस, देखिए वेनेला एसेंस है, डाल देंगे इसे। इसमें चार पांच बूंद के करीब डालेंगे। अब इसके अलावा हम डालेंगे इसमें पीसी हुई शक्कर। दोस्तों अगर आपके पास जो अगर शुगर फ्री है, अगर शुगर फ्री का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। शक्कर आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए खजूर। तो दोस्तों ये कम से कम 5-6 खजूर है, इसको हम डाल देंगे इसमें। इसके अलावा हमें चाहिए ड्राई फ्रूट चाहिए,
जो आपके पास अवेलेबल हो, है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं चलेगा। अब दोस्तों इनको अच्छे से मिक्स करना है, तो चलिए मिक्स करते हैं। तो दोस्तों ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसे जो है फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे बाद निकाल के इसे हम फेंटेंगे। दोस्तों 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसको निकाल के फेंटेंगे। तो निकालते हैं इसे। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम इसे फेंटेंगे। दोस्तों ये फिट चुका है, अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। आपके पास सांचा हो तो सांचा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास सांचा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कटोरे में भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको भर लेते हैं। कैप लगा देंगे इसकी। कैप लगा देंगे। दोस्तों ये कटोरी है, और कटोरी में हम रखेंगे चम्मच, ये देखिए। और इसके बाद जो हमारा जो ये है मिश्रण, हम इसमें डालेंगे। तो दोस्तों ये तैयार है, अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 5 घंटे के लिए। तो चलिए फ्रिज में रखते हैं। दोस्तों 5 घंटा हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे और देखते हैं क्या हाल है इसका। तो दोस्तों ये देखिए, ये तैयार हो चुका है। ये देखिए मैंने इसको पानी में डुबा के निकाला है ताकि कुल्फी आसानी से निकल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या हाल है इसका।
इसको भी देख लेते हैं। तो इसको भी मैंने पानी से निकाला हुआ है दोस्तों, ये देखिए पानी की छींटे दिख रहे होंगे आपको। इसको घुमा लीजिए ताकि आसानी से निकल जाए। ये देखिए ये तैयार है, ये बच्चों को दे सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा उन्हें खाने में। तो दोस्तों आइसक्रीम तैयार है, आप खाइए, घर में बनाइए और कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।